दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में तानाशाही चल रही है, किसी को भी उठाकर बिना वजह जेल में बंद कर दिया जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को अपमानित कर रही है। जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को साजिशन जेल में डाल दिया गया, दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। ये देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिना वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। नहीं, चार सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी सातों सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज बरोज हमले हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है और दिल्ली के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, देश के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम सभी सीटों पर, सातों सीटों पर मिलकर के लड़ रहे हैं और मिलकर रणनीति बना रहे हैं। देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज्यादा खतरनाक है, रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। मैं तो दिल्ली के लोगों को भी कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास मौका है कि आप वोट दे पा रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए, क्योंकि आपको जो ये वोट देने का अधिकार मिला है, ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे देश की सूरत जो है वो सूरत जैसी बन जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर